दोस्तों, एक वीडियो में हमने बात करी थी कि ह्यूंडई क्रेटा के बेस वेरिएंट पेट्रोल में आपको क्या क्या मिल जाता है, यानी ई पेट्रोल में हमें क्या क्या मिल जाता है। सारी बातें उस वीडियो में हमने बताई थी, आपको सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह बता दी थी। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि डीजल के बेस वेरिएंट की वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने वाली है। दोस्तों, उस वीडियो पे रिस्पॉन्स काफ़ी कम आया, लेकिन फिर भी मैं आपको ई डीजल के बारे में सारी जानकारी यहाँ देने वाला हूँ कि प्राइस क्या रहने वाला है, स्पेसिफिकेशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या आपको ये दोस्त को गाड़ी लेनी है या किसी भी फैमिली मेंबर को गाड़ी लेनी है तो उसको भी ये वीडियो जरूर दिखाएं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑलरेडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो दोस्तों, डायमेंशंस हमने देख लिए थे। गाड़ी के डायमेंशन में कोई भी फर्क नहीं होता है जब आप इंजन चेंज करते हैं या कोई भी वेरिएंट लेते हैं या कोई भी इंजन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो डायमेंशंस में कोई भी फर्क नहीं है। तो ई डीजल में दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। यहाँ आपको गाड़ी का एक्सोरूम मिलता है 12,55,700 रुपए। RTO इंश्योरेंस और अदर चार्जेस ऐड करके ये गाड़ी आपको 14,83,000 की मिल जाती है ऑन रोड न्यू दिल्ली में, यानी लगभग 15 लाख या आप कह लीजिए कि 1450 से 15 के बीच में आपको इसका डीजल वेरिएंट मिल जाएगा न्यू दिल्ली के हिसाब से मैं ये प्राइस बता रहा हूँ। पेट्रोल के मुकाबले दोस्तों लगभग 2 लाख रुपए ज़्यादा आपको देने होते हैं यहाँ अगर आप डीजल कंसिडर कर रहे हैं तो। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कि ई डीजल में आपको स्पेसिफिकेशन क्या क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंजन एंड ट्रांसमिशन। तो दोस्तों, इंजन में आपको देखिए 1.5 लीटर का U2 CRDI इंजन मिलता है, डीजल इंजन है ये। 1493 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करके देता है 114 BHP की 4000 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाता है यहाँ 250 Nm का, यानी 250 Nm का 1500 RPM से लेके 2750 RPM पे मिल जाता है। 4 सिलेंडर इंजन ही होने वाला है जिसमें आपको DOHC वॉल कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। फ्यूल सिस्टम आपको बता दिया है CRDI, इसमें फ्यूल सिस्टम मिलता है। अगर आप थोड़े से टेक्निकल देखते हैं, ऑन पेपर देखते हैं, तो ये टर्म्स आपको समझ आ जाएंगी। टर्बोचार्ज इंजन है ये। और अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। अगर फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों कि इसमें आपको फ्यूल टैंक कितना मिलता है और परफॉर्मेंस कितनी मिलने वाली है, यानी माइलेज कितना मिलने वाला है, तो डीजल में दोस्तों इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 50 लीटर का और फ्यूल की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है 21.8 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, यानी 21 के आसपास का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो इतना माइलेज, तो अगर आपकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी है तो आप इतना माइलेज निकाल भी सकते हैं क्योंकि ये एक डीजल इंजन है। अगला पार्ट है दोस्तों स्टेयरिंग और ब्रेक्स का। इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आपको मिलने वाला है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यानी दोनों ही एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ब्रेक्स की बात की जाए तो चारों आपको डिस्क मिलने वाले हैं यहाँ, फ्रंट और रियर दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ई डीजल में आपको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के कितने फीचर मिलते हैं वो देख लेते हैं। इसमें आपको पावर स्टेयरिंग, ऑल फोर पावर विंडोज, AC हीटर, एडजस्टेबल स्टेयरिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको दे दी गई है, एक्सेसरी पावर आउटलेट, वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैंप, रियर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट और कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे आगे और पीछे दोनों ही जगह। रियर AC वेंट आपको मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे पीछे, और 60-40 में आप पीछे की सीट को स्प्लिट कर पाएंगे। कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी दिया गया है। पीछे और आगे दोनों ही जगह आपको USB चार्जर मिल जाएगा। सेंटर कंसोल में आपको आर्मरेस्ट जो होगा उसमें आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है और आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फॉलो मी होम हेडलैम्प, आज के हिसाब से ये फीचर भी काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। ये है दोस्तों आपकी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर। अब इंटीरियर में बात करते हैं तो इंटीरियर में हमें क्या क्या मिलता है। तो इंटीरियर में दोस्तों आपको इस वेरिएंट में, यानी ई डीजल में, आपको टैकोमीटर, ग्लव कंपार्टमेंट, डिजिटल ऑडोमीटर, ड्यूअल टोन डैशबोर्ड मिलेगा, ड्यूअल टोन ग्रे इंटीरियर आपको दिए गए हैं और 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट आपको मिल जाती है। डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ दिया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपहोल्स्ट्री जो मिलेगी वो आपको फैब्रिक ही मिलने वाली है, लेदर का ऑप्शन यहाँ नहीं है। बेस वेरियंट में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसका इंटीरियर पार्ट। अब आता है एक्सटीरियर पार्ट। तो दोस्तों एक्सटीरियर में आपको जो ORVM होंगे वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। इसी के साथ आपको व्हील कवर्स मिल जाएंगे, रियर स्पॉइलर मिल जाएगा, गाड़ी के लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। इंटीग्रेटेड एंटीना मिल जाएगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे और इसी के साथ आपको जो बूट है वो इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग के साथ मिल जाएगी। LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, फ्रंट एंड रियर में आपको स्किड प्लेट मिलेंगी, LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प,
रियर होरिजन एलईडी लैंप, बॉडी कलर्ड ORVM मिलेंगे और एलईडी पोजिशनिंग लैंप, ये सारे फीचर जो है वो आपको एक्सटीरियर में मिल जाते हैं। अगर बात करते हैं टायर प्रोफाइल की तो दोस्तों 205/65 R16 inch के ट्यूबलेस रेडियल टायर यहाँ मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल सा साइज है, इस SUV के हिसाब से काफ़ी सूट करता है। अब बात आती है दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि 14.5 लाख या फिर 14 लाख 15 लाख के आसपास का अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको यहाँ म्यूजिक सिस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो आपको आफ्टर मार्केट या फिर Hyundai की एक्सेसरीज में आप कस्टमाइज करके गाड़ी में लगवा सकते हैं या बाहर मार्केट से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन में कुछ भी नहीं मिलता। चलिए बात करते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो है दोस्तों सेफ्टी। जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी में आपको क्या क्या मिलता है वो देख लीजिए। तो यहाँ आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म और 6 एयरबैग मिल जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड किए हैं, तब से आपको 6 जो एयरबैग हैं वो मिल जाते हैं। डे नाइट IRVM में आपको मिल जाएगा, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ड्राइवर एंकर प्रिटेंशनर और 3-point सीट बेल्ट आपको मिल जाएंगे सभी सीट्स पे, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, प्रिटेंशन और फोर्स लिमिटर के साथ आपको सीट बेल्ट मिल जाएंगे दोनों ही फ्रंट के, यानी ड्राइवर और पैसेंजर साइड का जो आपका सीट बेल्ट होगा वो प्रिटेंशन और फोर्स लिमिटर के साथ मिल जाएगा। हिल असिस्ट आपको मिल जाएगा और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, ये सारे फीचर आपको मिलते हैं सेफ्टी के लिहाज से। और जैसे कि आपको बताया कि अडास आ चुका है Hyundai Creta में, लेकिन यहाँ आपको दोस्तों अडास के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। तो ये सारे फीचर जो है वो आपको ई डीजल में मिल जाते हैं। यहाँ आपको एक अच्छा पावरफुल इंजन ज़रूर मिलता है, लेकिन फीचर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ आपको अच्छे खासे फीचर नहीं मिल पाते इतना अमाउंट स्पेंड करने के बावजूद भी। तो अगर आपके दिमाग में कोई और गाड़ी है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसके साथ मैं इसको कंपेयर करके दिखा दूंगा आपको, या फिर मैं ये भी आपको सजेस्ट कर दूंगा कि इसकी बजाय आपको ये कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा पावरफुल इसमें आपको मिल जाता है 6-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बाकी जो फीचर्स हैं वो यूजेबल हैं और काम भी चल सकता है अगर इसमें म्यूजिक सिस्टम हो तो। कुछ एक्सेसरी हम बाहर से लगवा के गाड़ी को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी ई डीजल के बारे में, Hyundai Creta ई डीजल के बारे में, जो कि आपको मैंने प्रोवाइड करवाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं और डीजल इंजन वो देख रहे हैं। अगर आप बजट का इश्यू नहीं है तो फिर आप इसके अगले वेरिएंट पे भी जा सकते हैं। एक वीडियो दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जल्द ही Hyundai Creta के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, पेट्रोल में भी और डीजल में भी दो वीडियो आपको मिलने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।